तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वैसे तो हम सबको याद रहता है हमेशा क्योंकि शुरू से पढ़ते आए हैं। ये लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। है ना, ये लॉ है और ये सबको पता होता है, लेकिन इसके अंदर कौन कौन सी जो है बातें छुपी हुई है, ये सारी चीजें हम सब कभी ध्यान से नहीं समझते। तो वो इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है छुपी हुई है, वो जो पॉइंट्स है जो इसके अंदर छुपा हुआ है, पहले मैं उसको बताता हूं। है ना, पहला पॉइंट तो ये है, कहा गया है कि एवरी एक्शन, एक्शन का मतलब यहां पर है फोर्स है, एक्शन मतलब फोर्स और उसका रिएक्शन मतलब वो भी फोर्स। तो एवरी एक्शन मतलब कि जितने भी फोर्सेज होते हैं उन सब का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी अपोजिट फोर्स होता है। तो ये कहा जा सकता है कि यूनिवर्स में जितने भी फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एक्शन रिएक्शन पेयर्स में भी होते होंगे, क्योंकि यहां वर्ड यूज किया गया एवरी एक्शन यानी एवरी फोर्स। तो जितना भी फोर्स होता होगा हर फोर्स का एक्शन रिएक्शन जो है वो पेयर होता होगा, है ना। तो कह सकते हैं पहला पॉइंट, ऑल द फोर्सेज इन यूनिवर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्शन और रिएक्शन है वो कभी भी एक बॉडी पर नहीं लगते। ये जो न्यूटन का थर्ड लॉ है एक्चुअली में दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है, दो बॉडी एक दूसरे पर कुछ फोर्सेज लगा रहे होते हैं। तो एक अगर एक्शन जो होगा एक बॉडी पर होगा तो रिएक्शन उसका दूसरे बॉडी पर होना है, यानी एक्शन रिएक्शन कभी एक बॉडी पर नहीं होते बल्कि डिफरेंट बॉडी पर होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। ठीक, तो अगर कोई कहता है कि एक बॉल है इस पर हमने एक फोर्स लगाया इधर से और एक फोर्स लगाया इधर से, दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो क्या ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है? तो नहीं है, क्योंकि एक ही बॉडी को लग रहे हैं, ये एक्शन रिएक्शन हो ही नहीं सकते, है ना। जबकि एक ऑब्जेक्ट ये है, ये जो बॉडी है वो इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, मान लेते ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो है इसको इस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन है ना, ये उस पर लगा रहा है और वो इस पर लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन है, क्योंकि दोनों देखेंगे इक्वल और अपोजिट भी है ना। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये एक्शन रिएक्शन जो है वो पेयर है, और एक्शन रिएक्शन पेयर जो एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेज होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी पर एक्ट नहीं करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब कि जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्सेस लगाते हों तो एक ही टाइम पर लगा रहे होते हैं, जब तक एक्शन होता है तब तक रिएक्शन होता है। जैसे मैं इस ब्लैक बोर्ड पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तब तक जो है ब्लैक बॉडी जो है ये ब्लैक बोर्ड जो है वो मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि मैंने अभी फोर्स लगाया और ये जो है दो साल बाद मेरे से बदला लेने के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तभी तक ये भी लगा रहा है, मैंने हाथ हटाया, मैंने फोर्स लगाना बंद किया तो ब्लैक बोर्ड ने भी फोर्स लगाना बंद कर दिया। तो एक्शन और रिएक्शन जो फोर्सेज हैं वो दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। अब ये तीन पॉइंट जो है हमें ध्यान रखना है, तीन पॉइंट ध्यान रखेंगे तभी जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को हम लोग सही तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, अब जो है एक छोटा सा केस लेते हैं, जैसे कि मान लें अपने पास दो ब्लॉक है, एक M1 ब्लॉक है एक M2 ब्लॉक है और ये ग्राउंड पर रखे हुए हैं।
मैं ये जो दो ब्लॉक है इन पर फोर्सेज दिखाना चाहता हूं, कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं, है ना। जैसे ये हो गया M1, थोड़ा अलग अलग करके डायग्राम बनाता हूं, है ना। हालांकि कांटेक्ट में है, यहां पर है, कांटेक्ट में है, फोर्सेज दिखाने के लिए मैंने सेपरेट कर रहा है बस। और ये जो है ये ग्राउंड हो गया, ठीक। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, मान लिया ये नॉर्मल फोर्स है N1, है ना। और फिर ये भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ये भी हो जाएगा N1, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स N2, और ये जो है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा N2। इसका खुद का वेट जो है M2G ये आएगा नीचे, और इसका खुद का वेट जो है M1G ये भी आएगा नीचे, है ना। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं एक एक्शन लेता हूं और उसका रिएक्शन हमें पता करना है, ठीक है। तो जैसे मैं कहता हूं कि ये N1 को एक्शन ले लिया तो उसका रिएक्शन कौन सा होगा, ये वाला N1, है ना। ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। N1 और N2 अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और डिफरेंट बॉडी पर लग रहे हैं, यानी N1 ये वाला और N1 ये वाला दोनों एक्शन रिएक्शन है। उसी तरह से ये N2 है और उसका रिएक्शन ये होना चाहिए, ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, डिफरेंट बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। अगर मैं बात करूं इस M1G की, M1G इस पर लग रहा है तो इसका रिएक्शन कहां पर है, क्योंकि पहले पॉइंट ने ये बताया कि जितने भी फोर्सेज होते हैं सबका कहीं ना कहीं एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो ये जो M1G फोर्स इस पर लगा है उसका भी तो रिएक्शन होना चाहिए, उसका रिएक्शन कौन होगा। अगर मैं मानू कि ये N1 इसका रिएक्शन है तो ये N1 गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि दोनों ये दोनों जो है वो इक्वल तो होंगे लेकिन सेम बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरा वाला पॉइंट फेल हो जाएगा, तो ये N1 हो नहीं सकता। अगर मैं इस N1 की बात करूं तो ये N1 इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि M1G और N1 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए फेल हो गया। अब N2 की बात करें कि इसका M1G का रिएक्शन N2 हो सकता है क्या, N2 नहीं हो सकता, N2 का जो मैग्नीट्यूड है वो M1G से ज्यादा आएगा। N2 का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे तो एक्चुअली में ये आएगा M1 + M2 × G, दोनों के वेट के बराबर आएगा N2, तो N2 M1G से बड़ा है तो वो तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये M2G हो नहीं सकता, M2G भी जो है वो M1G से डिफरेंट है, इक्वल है नहीं। और फिर उसी तरह से अगर जब ये N2 नहीं बराबर नहीं है इसके तो ये N2 भी बराबर नहीं होगा, तो क्या इसका रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर रिएक्शन नहीं होगा फिर तो ये तो लॉ फेल हो जाएगा, ये कह रहा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, कोई लॉ फेल नहीं होगा, सारा सही है, बिल्कुल सही है। अब हमें यह ध्यान देना है कि जैसे ये M1G है तो ये देखना है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है एक्चुअली में दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है। अगर इसने इस पर फोर्स लगाया है तो ये उसी पर जाकर फोर्स लगाएगा, है ना। कहता है कि अगर ए ने बी को थप्पड़ मारा तो बी ए को ही थप्पड़ मारेगा, बी सी को थप्पड़ मारने नहीं जाएगा या सी ए को मारने नहीं आएगा, है ना। मतलब ए और बी है तो इसने इस पर कोई फोर्स लगाया तो बी जो है ए पर फोर्स लगाएगा, सी नहीं जाएगा उसका बदला लेने के लिए, ये ध्यान रखना है। मतलब ये दो बॉडी के इंटरेक्शन की बात करता है थर्ड लॉ, तो ए जिस पर फोर्स लगाया है ना वही फोर्स वापस ए पर लगाएगा। तो सोचना है कि M1G किसने लगाया है इस पर, तो अर्थ ने लगाया है, अर्थ जो है वेट के बराबर फोर्स से खींचता है ऑब्जेक्ट को, है ना। तो अर्थ अगर इसको खींच रहा है तो ये जो ब्लॉक है वो भी अर्थ को खींच रहा होगा M1G फोर्स से। जैसा कि यहां बताया अगर दो मास है M1 और M2 तो न्यूटन का जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो कहता है कि दोनों मास इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे ही अगर अर्थ इस ब्लॉक को अट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लॉक भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना उतनी ही फोर्स से। तो इसने जो अर्थ ने फोर्स लगाया M1G उस ब्लॉक पर तो ब्लॉक इस अर्थ पर लगाएगा M1G, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं इस फोर्स के थ्रू और इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा। इस M1G का रिएक्शन जो है ये M1G है। उसी तरह से इस M2G का रिएक्शन कहां पर होगा, यहां पर, है ना, क्योंकि ये M2G कौन लगाया, अर्थ ने लगाया है तो ये भी अर्थ पर लगाया M2G ऊपर की तरफ।
अब देख सकते हैं कि ये इमोजी इक्वल मैग्नीट्यूड में है, अपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट बॉडी पर है। वैसे एम टू जी और ए एम टू जी इक्वल अपोजिट और डिफरेंट बॉडी पर है। तो अब जो है थर्ड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, है ना। तो यही चीज हमें ध्यान रखनी है कि वैसे हम लोग कई बार जो है ये लॉ तो पढ़ लिए लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हम लोग नहीं पकड़ पाए। फिजिक्स में स्पेशली जो है ये छोटी छोटी चीजें ही पकड़नी होती है, अगर ये नहीं पकड़ा तो हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। इसलिए हर एक छोटा छोटा वर्ड जो है उसका मतलब निकालना है, इस छोटे से सेंटेंस का इतना बड़ा मतलब निकला और उससे ये जो है इतने सारे कंक्लूजन हमने यहाँ पर निकाले हैं। ठीक, तो ये हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमने चूंकि न्यूटन के तीनों लॉज पढ़ लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम, एक्चुअली में आप देखेंगे तो हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम कई बार बनाया है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर बाहर से कितने फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे फोर्सेज को दिखाना है। डिस्प्ले ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग। यहां पर हमें एक चीज वर्ड ऐड करना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेज, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से जो फोर्सेज लगाए जाते हैं उनको हमें दिखाना है। जैसे यहां पर हमने जो है ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है ना, इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूं। जैसे ये M1 ब्लॉक है ना, और ये M2 ब्लॉक है और ये अर्थ है। जब M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो, हमने M1 का डायग्राम बनाया, M1 को डायग्राम बनाना है तो ये हमारे लिए सिस्टम है और उसके अलावा जो भी होगा सब सराउंडिंग है, मतलब ये सराउंडिंग कहलाएगा और ये जो अर्थ है ये भी सराउंडिंग कहलाएगा, आसपास में एटमॉस्फेयर है वो भी सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक, तो कहा गया कि सिस्टम पर, मतलब जिस पर जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उस पर सराउंडिंग क्या फोर्सेज लगा रहा है वो दिखाना है। एक्चुअली में सिस्टम भी बाहर फोर्स लगा रहा हो किसी पर, वो फोर्सेज हमें नहीं दिखाने हैं, हमें इस सिस्टम पर लगने वाले फोर्सेज दिखाने हैं। तो इस सिस्टम पर ये जो सराउंडिंग है, एम टू एक फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स जिसको हमने एन वन कहा, यहां पर एन वन फोर्स एम टू लगा रहा था। एम टू कौन है? सराउंडिंग है। अच्छा, ये जो अर्थ है, अर्थ भी सराउंडिंग है इस ब्लॉक के लिए, तो अर्थ ने इस पर एक फोर्स लगाया था एम वन जी, है ना। तो ये उसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया एम वन का। एम वन हमारे लिए सिस्टम था, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो फ्री बॉडी डायग्राम में कौन कौन फोर्सेज दिखाए? जो सराउंडिंग ने उस पर लगाया, उसने दूसरों पर क्या लगाया हमने नहीं दिखाया। वो भी दूसरों पर फोर्सेज लगा रहा है, वो भी इस पर एम वन जी लगा रहा होगा, वो भी इस पर एन वन लगा रहा होगा, वो हमने नहीं दिखाया। ठीक, तो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि उस ऑब्जेक्ट पर बाहर से जो फोर्सेज लगाए जा रहे हैं उनको सिर्फ दिखाना है। अब जो है हमें सपोज फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है किसका? एम टू का। एम टू का बनाना हो तो हमारे लिए सिस्टम ये होगा और ये जो है ये सराउंडिंग होगा, है ना। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखेंगे कि ये सराउंडिंग है, ये इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा एन वन, ये फोर्स दिखा दिया। ये इस पर दो फोर्सेज लगा रहा होगा, एक तो नॉर्मल लगाएगा यहां से एन टू धक्का लगाएगा, और एक जो है इसका वेट के बराबर फोर्स एम टू जी अर्थ ही लगा रहा होगा। तो ये जो अर्थ है इस पर दो फोर्स लगा रहा है, ब्लॉक जो है वो ऊपर वाला वो एक ही फोर्स लगा रहा है। तो जब इसको सिस्टम लिया तो ये दोनों सराउंडिंग हो गए, तो इन्होंने इतना फोर्स लगाया इस पर, तो इन्होंने इस पर किधर लगाया होगा, कितना लगाएगा वो दिखाया। ये नॉर्मल लगाएगा ऊपर और एम जी लगाएगा नीचे, ये जो है इस पर नॉर्मल नीचे लगाएगा तो नीचे दिखाया है, है ना। ये दूसरों पर क्या फोर्स लगा रहा है यहां नहीं दिखाना है, इसमें हमने वो फोर्सेज नहीं दिखाया जो इसने लगाया होगा, इसने उस पर लगाया था एनवन, वो हमने यहां पर नहीं दिखाया। हमने इस पर एनवन कैसे दिखाया? जो बाहर वाले ने इस पर लगाया है नीचे की तरफ वो दिखाया,
अब मान लेते हैं कि जो अर्थ है इसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, अगर ये सिस्टम है तो बाकी सब सराउंडिंग हो गए फिर तो, है ना, ये सराउंडिंग हो जाएंगे। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो ये हमारे लिए दोनों सराउंडिंग है। अब ये कौन कौन से फोर्सेस लगाएंगे, तो एक तो ये है कि इस ब्लॉक पर इसने जो फोर्सेस लगाए हम उतने ही फोर्स वो भी लगाएगा इन पर, तो ये इस पर एक नॉर्मल देगा एन टू, एक जैसे जो है इसने उस पर एम टू जी लगाया था तो वो भी जो है इस पर एम टू जी लगाएगा ऊपर की तरफ एम टू जी, है ना, और एक नॉर्मल लगाया, और ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इस पर एम ओ एन जी लगाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसने उस पर एम ओ एन जी लगाया था तो वो भी इस पर एम ओ एन जी लगाएगा। तो इस पर कुल मिलाकर तीन फोर्सेस लगे, एक तो एन टू, एम टू जी और एम ओ एन जी। इस पर किस डायरेक्शन में लगेगा वो डिपेंड करेगा सराउंडिंग किधर फोर्सेस लगा रहा है इस पर। इसने उन पर जो फोर्सेस लगाया था वो नहीं दिखाया हमने, हमने क्या दिखाया कि ये ब्लॉक जो थे जो कि सराउंडिंग है अभी, इन्होंने इस पर किधर लगाया कितना लगाया वो फोर्सेस हमने दिखाया है। तो ये होता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम पर हम लोग जो है एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई वेज है और वेज के ऊपर जो है यहां पर किसी स्ट्रिंग से एक ब्लॉक अटैच्ड है। अब इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो देखेंगे एक तो यहां पर टेंशन फोर्स आ जाएगा, ठीक, नीचे आ जाएगा उसका एम जी, और ये जो वेज है वेज इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा एन, है ना। तो कुल मिलाकर ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं, हो सकता है फ्रिक्शन भी लगता, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सारे सर्फेस स्मूथ लेकर चलते हैं, क्योंकि जब तक फ्रिक्शन जो है हम लोग चैप्टर पढ़ते नहीं है, फ्रिक्शन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फोर्स है, जब तक उसके बारे में हम लोग पढ़ते नहीं है तब तक जो है फ्रिक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में एनएलएम चैप्टर में फ्रिक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, है ना, और इसलिए हम लोग इसमें सारे सर्फेसेज स्मूथ लेंगे। तो फ्रिक्शन के अलावा जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं वो हमने यहां पर तीनों दिखा दिए। तो अब जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए कुछ एग्जांपल्स करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है, इसमें एक रॉड दिया गया है या समझ ले कोई लैडर है जो कि एक वर्टिकल वॉल और हॉरिजॉन्टल फ्लोर के बीच में टिका हुआ है, ठीक। इस रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो देखेंगे कि यहां पर जो है एक नॉर्मल फोर्स आना चाहिए और ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ये इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा ऐसे, है ना, ये फोर्स हो जाएगा मान लेते हैं एन वन है। उसी तरह से यहां पर रॉड का कॉर्नर कॉन्टेक्ट में है तो वॉल पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो आएगा नॉर्मल यहां से एन टू। मतलब जब भी दो सरफेस कॉन्टेक्ट में हो तो कॉन्टेक्ट सरफेस में से जिसका परपेंडिकुलर हमें पता हो उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, वो अपने आप दोनों पर परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसका रॉड का कॉर्नर था उसका परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, हमें हॉरिजॉन्टल का पता है तो हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उसी तरह से यहां पर वर्टिकल का परपेंडिकुलर पता था उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, रॉड पर अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर है रॉड पर ऊपर लगाएगा और वर्टिकल वॉल रॉड पर हॉरिजॉन्टल लगाएगा, और साथ में ये जो रॉड है इसका खुद का वेट यानी कि एम जी फोर्स आएगा नीचे की तरफ। इसके बाद जो है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि एक वेज दिया गया है और इसके ऊपर दो ब्लॉक रखे गए हैं, इन तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे कि ये जो ब्लॉक्स हैं इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ये ब्लॉक है तो इस पर इसका खुद का वेट आएगा एम टू जी, है ना, और ऊपर आएगा एक टेंशन फोर्स टी और एक यहां से नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको मैं कह सकता हूं कि ये एन टू है, है ना। अच्छा, ये जो ब्लॉक है इस पर एक नॉर्मल फोर्स आएगा इधर से, इसको मैं कह सकता हूं कि ये एन वन है। इसका खुद का वेट आएगा एम वन जी नीचे, यहां पर आएगा टेंशन फोर्स टी, जो यहां टेंशन था वही टेंशन यहां भी होगा क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ठीक। तो दोनों ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम तो हमने बना दिया, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वेज का। तो ये ध्यान रखना है कि जो वेज है
उसके साथ में ही पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होता है, क्योंकि जो पुली है वो रिजिडली अटैच्ड होता है। जो फोर्स इस पुली पर लगाया जाएगा वो सारा फोर्स इस वेज पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो पुली पर एक फोर्स जो है टेंशन की वजह से आएगा नीचे की तरफ टी, और एक इधर भी आएगा टी, है ना। साथ में क्योंकि वेज जो है इस ब्लॉक पर एन वन लगा रहा है, तो वो ब्लॉक जो है वो भी इस पर एन वन फोर्स लगा रहा होगा। अब ये वाला ब्लॉक है, ये वाला जो ब्लॉक है ये भी इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा एन टू इधर की तरफ, क्योंकि वेज ने इस पर एन टू इधर लगाया था तो वो इधर लगाएगा। अब ग्राउंड जो है, ग्राउंड इस पर एक इसका एम जी फोर्स लगा रहा होगा, और साथ में ग्राउंड एक यहां से नॉर्मल भी लगाएगा, इसको मान लेते हैं कि ये एन थ्री है ना। तो इस वेज पर इतने सारे फोर्सेस जो है वो लगेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहां पर दो ब्लॉक है, एक ये बड़ा सा ब्लॉक है और एक ये छोटा सा ब्लॉक है। ये जो ब्लॉक है वो एक स्ट्रिंग के थ्रू अटैच्ड है ऐसे, और ये तीन पुली लगे हुए हैं यहां पर। हमें यहां पर इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो पहले मैं डायग्राम बनाता हूं इस छोटे वाले ब्लॉक का। तो छोटे वाले पर ऊपर आएगा एक टेंशन टी, नीचे आएगा इसका खुद का वेट, और यहां से एक नॉर्मल फोर्स आएगा एन वन, है ना। इसके बाद जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर बनाना हो तो मैंने यहां बनाया है ना। साथ में इसकी ये जो पुली है ये वाला, ये पुली जरूर दिखाना है, क्योंकि पुली पर जो भी फोर्स लगेगा वो सारा फोर्स इस ब्लॉक पर ट्रांसफर होगा। पुली हमेशा रिजिडली अटैच्ड होता है, नहीं तो क्या होगा, इस पर टेंशन आने से लटक जाएगा नीचे। तो ये हमेशा रिजिडली अटैच्ड होता है। तो इस पर जो फोर्सेज लग रहे हैं, एक टेंशन फोर्स आएगा इधर, इधर की बात करें तो, और एक टेंशन फोर्स इस पर नीचे की आएगा, ये वाला जो स्ट्रिंग है ना। अच्छा, ये स्ट्रिंग जा रहा इधर, तो एक टेंशन फोर्स इधर भी आएगा। इस ब्लॉक ने इस छोटे वाले पर एनवन लगाया था, तो छोटा वाला भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा एनवन इधर, है ना। इसका खुद का वेट एम जी आएगा नीचे, और ग्राउंड से एक नॉर्मल फोर्स आएगा एन टू। तो ये जो है इस पर सारे फोर्सेज हो गए, इसमें हमने फ्रिक्शन को कहीं भी कंसीडर नहीं किया है।